एक उदाहरण संखेप जी होर दे देना, गुरु काल विच भी ते अज भी। फिर अर्ज करांगा गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक दी जोत दी शब्द दी कला नू 1708 तक मत बनो। मैं 1708 तक दी कोई गल सुनांगा, तुसी ध्यान नाल सुनोगे। जे वर्तमान में किसी कमाई वाले का जिक्र करांगा बर्दाश्त नहीं होवेगा, क्योंकि असी जा चुकियां नू सुन नू तैयार आ, असी वर्तमान छेती सुन नू तैयार नहीं, क्योंकि साड़ी ईगो कहिंदी है तू जिउंदा तेरे जिउंदियां तेरे तों अगे किवें कोई हो सकदा। साड़ी कौमी नू बर्दाश्त नहीं करती। गुरु ग्रंथ साहिब एक निरंतर ओ प्रवाह है। जिन्नी देर तक इस धरती दे उपर गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश रहेगा, उन्नी देर तक गुरु ग्रंथ साहिब दी ताबिया विच कमाई वाला गुरसिख भी रहेगा। सवाल ही नहीं पैदा होता कदे, हद हो गई, गुरु घर विच सुंझ पै जूगी, गुरु घर दे अंदर सोका पै जूगा। मेरा अंदर सुख गया गल वक्री, पर मैं गुरु दे शब्द ते भरोसा रखा कि मेरा पैमाना आखरी पैमाना नहीं, मेरे निर्धारित कीती कोई परिभाषा आखरी सच नहीं। आखरी सच तां होवे जो गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द ने बख्शिश करना। हर बंदा आपो अपना इंची टेब लैके बंदियां नूं मापी जा रहा, फलाना की हो जाए फलाना की हो जाए। मैनूं याद है गुरु काल की घटना कह के संपन्नता करना, सेवा करन वाला उहदा मैं कहना नाम ही कथा करे मैनूं बख्श दिया जी। सिमरन भजन बंदगी भांडे मांजन वाला कहीं कह देना भी अज्ञानता, अज्ञानता नहीं, भजन बंदगी च भिजी कोई आत्मा चार अखर भी माई कुत्ते ना बोल सके, याद रखियो जिथे बहेगा उहदी चुप भी लोगों का जीवन पलटी जाएगी। अदृष्ट शक्ति नूं किवें असीं रोक सकने आ? मेरी बेनती है गुलाब का फुल कदी किसी माइक ते बोलता देखे, उहदी अदृष्ट सुगंधी लंघते लोगों नूं घेरदी है। रात की राणी मैनूं याद है साढ़े उत्थे कि रात की राणी अत का कोपा नेरा वह भी लंघदे हुए नूं कहिंदी है तुहानूं अखां नाल कुछ नहीं दिसदा, पर चेते रखियो लंघण वाले मेरी सुगंधी तो तुसीं खाली नहीं जा सकोगे। मेरी बेनती है गुरसिखी तां इक बख्शिश है। मैं उस सिख का जिक्र कर लगा जिहदी इह पौड़ी बड़ी ढुकेगी उहनां दे जीवन ते, भाई संगत साहिब जी, बाबा फेरू जी, नाम तो भाई संगत साहब, बाबा फेरू जी। गुरु किया साखिया एक ग्रंथ है, उहदे विच उहदा जिक्र है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहब विराजमान ने, ते भंडा ने एक सांग कीता, मसंदा की नकल लाई, सतगुरु के सामने दसिया आ कुछ करते ने, ते हजूर ने उस वक्त कहा सब नूं बुलाओ आनंदपुर साहब जाते हुए एक चेते रखियो मसंदा वाला खूह भी हैगा उत्थे, भोरा साहब के नाल ही है जी, एक एक देहरादून कड़ाहा। उन्होंने सारे बुलाए, चलो अखीर ते गल चली जो सारे दी फोले ना, ते किने कहा महाराज लम्मे देश दा नक्के दा संगत साहब उन्हूं तां कई साल होए कदी आए ही नहीं। सतगुरु ने भाई आलम चंद जी नूं चार सिख होर नाल भेजे, कह लगे उन्होंने पकड़ के लियाओ, ये शब्द वरते सन उहदियां मुश्कां बन के लियाउणियां। जदों ये उत्थे पहुंचे ते जांदियां सार पुछदे ने भी भाई संगत साहब, ते अगो सेवादारा ने कहा भी वह तो ना इस वेले बाहर चले जाते हैं थोड़ा जा एकांत, ते कोल बैठिया गलबात करदिया पुछिया की करदे ने वह, उन्हें कहा भी वह भजन सिमरन बाणी पाठ कीर्तन आए गए नूं बाणी नाल जोड़दे ने भांडे मांजदे ने। किसी भी बंदे ने उन्हां दे विरोध च कोई शब्द ही नहीं किया। उन्नी देर नूं बाबा फेरू साहब जी आ गए, तो आ के सीधे भांड्या च खलो गए। तो फिर भी मैं इत्थे बेनती करांगा भावें प्रचारक कीर्तनिया कथा वाला कोई भी है, प्लीज़ जदों वक्त मिलता है विखावे लई नहीं जरूर हत्थी सेवा करो, क्योंकि हत्थी सेवा तो बिना अंदर की निम्रता नहीं आती, ये जरूरी है।
वह भांड्या च खलो गया आके उन्हें पूछा कहते हैं आई बाबा फेरू तो बाबा फेरू साहब गुरु हर राय साहब के वेले तो सिख सन उन्हें देखा भी कपड़े सादे पर चेहरे ते बख्शिश मालक की कृपा भाई आलम चंद अगे वधे हाथ जोड़ के जो उस वक्त का संबोध की पोला भी सी ते उन्होंने दसिया सी श्री आनंदपुर साहब तो आया हाँ बाबा फेरू जी भाई फेरू साहब वो उन्होंने कहा आनंदपुर साहब तो जमीन ते बैठ गए इस तरह करके मस्तक ते धूड़ ला के कहने मेरे प्रीतम दे शहर देश चो आए उन्होंने वेख्या अद्धी निम्रता ते नाल ही भाई आलम चंद ने चिट्ठी पकड़ा दी वो चिट्ठी च लिखिया सी इहदियां मुश्कां बन के लिया जाए हाथ पिछे बन के लियाओ चिट्ठी पढ़ी नेत्र भेजा है उस वक्त कहन लगे लंगर पानी तुसी छक लिया कहते ने खां छक लिया कहते कृपा करो रस्सी लैके आयो कि डेरे चो रस्सी लईए बन्नण वालियां दा हिया ना पै हुण बन्नीए किवें इन्नी निम्रता सेवा च भिजी वद कहन लगे रस्सा लैके आए कहते नहीं रस्सा नहीं आता आवाज दिती रस्सा लियाओ वो कहते बाबा जी इस तरह करो बन दे नहीं 57 साल की उम्र लिखी उन्होंने कि बन दे नहीं तुम इस तरह तुर पो अगो हाथ जोड़ के कहते गुरमुखो बस सारी जिंदगी हुक्म मनन दे यतन करना पे मैनू थड़काओ ना जे प्रीतम नू पौंदा है कि मेरे हाथ पिछे बजे हुण ते तुहानू की इतराज है पर फिर भी आना पिया कहिंदे ने बाबा फेरू अपने हाथ पिछे करके चलिया जी मैं फिर अर्ज करांगा शरदा भावना प्यार मुहब्बत चेते रखियो इहदा जीवन ते गल्लां नाल माप माप के दलीलां नाल धर्म सिद्ध करन दा जीवन जमीन असमान दा फर्क है खडूर साहब सारा रात नूं आराम करदा है पर बाबा तां रात नूं ही गागर चुक के तुरे रहिंदे इस तरी पहुंचे आनंदपुर साहब पहुंच के उत्थे जा के मैनूं बन्न लो गुरुदेव दा दरबार सजिया 57 साल की उम्र में पढ़ी उन्हां दी उस वेले परे दरबार च लिया गया रस्सी पिछे पर नेत्रा च नीर सी सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे कोल वही खाते वाले ने कहा महाराज ये भाई संगत साहब आ गए ने श्रीमान भाई वीर सिंह ने बहुत प्यारा लिखा है वो कहते ने हजूर ने कहा दसो ये कदों तो गुरु के दसवंत की माया कदों आए किमें उन्हें कहा महाराज ये तो आई नहीं बहुत समा हो गया कहते ने बाबा फेरू अखा भिजियां संगत खलोती देखती की बीतेगी गुरुदेव धन गुरु कलगीधर जी दे नेत्र बंद होए हजूर ने दोबारा नेत्र खोले अपने सिंघासन तो उठे बाबे फेरू का हाथ पिछों खोल के कुट के सीने नाल कला के कहा एदा नाम कागजा ते नहीं एदा नाम तो साढ़े सीने उत्ते लिखिया हाथ खोले बाबा जी ने अपने हाथ च दाढ़ी पकड़ ली जदों दाढ़ी पकड़ी सूचक हुंदा सी जी भी मेरे तो भुल हो गई है तिनका मूँह च पाना तीला पाना जां दाढ़ी पकड़ी उत्थे मैनूं याद है उस किताब च लिखिया मैं पढ़िया काफ़ी समा पहला सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने भरे दरबार च पंज बख्शां दित्तियां वो पहली बख्शिश सी भाई फेरू तेरी सच्ची दाढ़ी दूजी बख्शिशी भाई फेरू तेरी सेवा गाढ़ी तीजी बख्शिशी भाई फेरू तेरी करनी सारी कागजां ते किते ना लिखा तेरा ता जीवन ही करनी करनी कथनी कही ने भाई फेरू तेरी सच्ची दाढ़ी भाई फेरू तेरी सेवा गाढ़ी भाई फेरू तेरी करनी सारी चौथा लफ्ज क्या भाई फेरू जग तुल्हा भारी जदों चार बचन किते वो जिवें अंदरों बंदा बैराग पाट जांदा काढ़ भाई साहब रो पए महाराज ने कहा भाई फेरू तेरे तो सतगुर बलिहारी मैं तेरे तो कुर्बान जाना मैं एक बेनती करांगा गुरमुखो ये केवल कहन मात्र नहीं
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਾਵਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਣੀ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਵਾਜ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆ, ਦਾੜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਧੱਕੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸੱਜਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਣੀ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਸਦਾਵੇਂ, ਸਾਡੀ ਪੀ ਤਾਂਘ ਤਣੀ, ਤੈਂ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਢੂੰਡੀ ਬਣੀ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਡੇ ਸੱਜਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਣੀ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਸਦਾਵੇਂ, ਸਾਡੀ ਪੀ ਤਾਂਘ ਤਣੀ, ਤੈਂ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਢੂੰਡੀ ਬਣੀ ਬਣੀ। ਫੇਰੂ ਜਾਣ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਵਾਰੀ, ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਭਲੀ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਭਲੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਭਲ ਗਈ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਨਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਏ ਨਹੀਂ ਮਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਕੌਣ ਕੱਤੇ ਹੁਣ ਪੂਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਲੋਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬੌਡੀ ਤੱਕ ਮਤ ਸੀਮਤ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੂੜੀ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਪਦੇ 'ਚ ਕਹੇ ਕਿ ਮਾਏ ਨਹੀਂ ਮਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਕੌਣ ਕੱਤੇ ਹੁਣ ਪੂਣੀਆਂ, ਸੁੱਧ ਬਿਸਰੀ ਮੇਰੀ ਮਤ ਬੋਰਾਨੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰੇਮ ਚਨੂਣੀਆਂ, ਨਿਉਂ ਲੱਗਾ ਲੱਗ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾਹੀਂ, ਸ਼ੋ ਬਾਜੋਂ ਗੱਲਾਂ ਊਣੀਆਂ। ਫੇਰੂ ਜਾਣ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੇਰੂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਿਉਂ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾਹੀਂ, ਮੋਇਆ ਵੀ ਦੋਣੀ ਚੋਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਮਤ ਰੱਖੋ। ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ। ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ, ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਦਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਲੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਟਿਚਰਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਟੀਆਂ ਲੀਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ।